जहाँ पर हमें ब्रह्मांड दिखाया जाता है और इसी ब्रह्मांड से हमें हमारी पृथ्वी भी दिखाई जाती है जो कि कभी नीले रंग का ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब वो अपना रंग पूरी तरह से खो चुका है। और इसके बाद हमें पृथ्वी दिखाई जाती है जो अब एक कूड़े का ढेर बन चुकी है। इंसानों का नामो निशान यहाँ से मिट चुका है। दरअसल आज से 700 साल पहले जब धरती खत्म हो रही थी तो बचे हुए लोग यहाँ से स्पेसशिप में अंतरिक्ष में रहने के लिए चले गए और यहाँ पर छोड़ दिया एक छोटे से रोबोट को जिसका नाम होता है वॉली, जिसका काम है धरती से कचरे को हटाना। वो हर एक कचरे को एक जगह इकट्ठा करता है। पूरी धरती पर वॉली एक ऐसा रोबोट है जो बचा हुआ है। हालांकि वॉली जैसे रोबोट्स पहले धरती पर बहुत सारे थे, लेकिन धीरे धीरे सब के सब खराब हो गए और अब वॉली अकेला रोबोट बचा हुआ है। जब भी उसका कोई पार्ट खराब होता है तो दूसरे रोबोट से निकाल कर अपने पार्ट को ठीक कर देता है। उसके पास सुबह और शाम सिर्फ एक ही काम है और वो है कचरे को अपनी बॉडी के अंदर डालकर कंप्रेस करना और एक ही शेप में बनाकर उसे एक सही जगह पर रख देना। वॉली की जिंदगी इसी तरह से चल रही होती है। वो पूरा दिन काम करता और रात को अपने घर आ जाता है। घर में उसने अपने टाइम पास के लिए बहुत सारी चीजें लगा रखी होती है। वॉली का पूरी अर्थ पर सिर्फ एक ही दोस्त होता है, वो होता है कॉकरोच, जो हमेशा उसके साथ रहता है। अगले दिन जब वॉली काम पर जाता है तो उसे पहली बार एक प्लांट दिखता है, क्योंकि इतने सालों में यहाँ पर पहली बार एक प्लांट उगा है। वॉली उसे संभाल कर रख देता है और तभी यहाँ ऊपर से एक स्पेसशिप आता है जिससे एक बहुत ही एडवांस रोबोट बाहर निकलती है जिसका नाम ईव होता है। लेकिन वो ईव के सामने नहीं जाता क्योंकि जो भी हिलती हुई चीज ईव को दिखती है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन वॉली लगातार उसका पीछा करता रहता है। ईव का काम होता है धरती पर चीजों को स्कैन करना। दरअसल इंसानों ने उसे धरती पर इसलिए भेजा था कि वो पता लगा सके कि धरती पर कोई लिविंग चीज है या नहीं, इसीलिए वो लगातार चीजों को स्कैन करती हुई आगे बढ़ती है। और वॉली जो कई सालों से अकेला है वो चुपके चुपके उसका पीछा करता रहता है। अब जब रात हो जाती है और वो एडवांस रोबोट यानी कि ईव सो जाती है तो वॉली कचरे से ईव के जैसा एक रोबोट बना देता है। लेकिन जब सुबह ईव उसे देखती है तो उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एक बार फिर से वो चीजों को स्कैन करना शुरू कर देती है। और तभी धीरे धीरे वॉली उसके पास जाता है और यहाँ पर पहली बार ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, ये एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं। और तभी वॉली को पता चल जाता है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, इसीलिए ईव को वो अपने घर ले जाता है जो उसने इतने सालों में बनाया था। वो दरवाजे बंद कर देता है और यहाँ की लाइट्स ऑन कर देता है। दरअसल वो खुद को और यहाँ की हर एक चीज को हर रोज सोलर एनर्जी से चार्ज करता है। लाइट जलने के बाद यहाँ दिखाया जाता है कि वॉली ने यहाँ पर सालों से कई चीजों को इकट्ठा कर रखा है। जो भी चीजों से पसंद आती है वो उसे अपने घर पर ले आता है। वॉली के पास यहाँ पर एक टीवी भी होता है जिसमें वो हमेशा इंसानों की डांसिंग वीडियोस देखा करता था और उसका भी मन करता था कि वो कभी किसी के साथ डांस करे, इसीलिए अब वो डांस करना शुरू कर देता है क्योंकि ईव उसके सामने होती है। ईव भी डांस करना शुरू कर देती है लेकिन उसे डांस करना नहीं आता और वो डांस करते करते वॉली से टकराती है जिससे उसका एक कैमरा यानी कि एक आंख टूट जाती है। लेकिन वॉली ने यहाँ पर बहुत सारी आईज रखी होती है, वो जल्दी अपनी आंख को रिपेयर कर लेता है। और अब वॉली ईव को वो पौधा दिखाता है जो उसे एक दिन पहले मिला था। ईव उस पौधे को स्कैन करती है और उसकी बॉडी में ग्रीन लाइट चलना शुरू हो जाती है। ईव उस प्लांट को अपनी बॉडी के अंदर रख लेती है और इसके बाद वो स्लीपिंग मोड में चली जाती है। वॉली को लगता है कि उसकी बैटरी लो हो चुकी है, इसीलिए अगले दिन जब धूप आती है तो वो उसे सोलर सिस्टम से सोलर एनर्जी से चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो सोलर एनर्जी से चार्ज नहीं होती। वो धूप में, बारिश में, तूफान में उसका बहुत ध्यान रखता है, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर दोबारा से एक्टिवेट नहीं होती। और अगले दिन यहाँ पर स्पेसशिप आता है जो ईव को पकड़कर अपने साथ स्पेस में ले जाने लगता है, लेकिन वॉली भी स्पेसशिप को पकड़ लेता है और वो स्पेसशिप के साथ स्पेस में पहुंच जाता है। ये उस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं। ये दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस होती है, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब इंसानों ने चलना बंद कर दिया है, उनके पास एक रोबोटिक चेयर होती है, उसी रोबोटिक चेयर से वो अपने सारे काम करते हैं, जिस वजह से उनका शारीरिक ढांचा अब बहुत अजीब हो चुका है। वो जाकर भी खड़े नहीं हो सकते, जाकर भी चल नहीं सकते, क्योंकि जो ग्रेविटी अर्थ की थी वो ग्रेविटी यहाँ पर नहीं होती। और अब ईव को इस शिप के कैप्टन के पास ले जाया जाता है। वॉली भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वहीं शिप के कैप्टन के पास जब ईव पहुंचती है तो शिप का कैप्टन देखता है कि उस पर ग्रीन सिग्नल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। और वो अपने एक पुराने साइंटिस्ट का वीडियो देखता है जो कई सौ साल पुराना है, जिसमें साइंटिस्ट कहता है कि कभी भी कोई रोबोट अगर धरती से ग्रीन सिग्नल लेकर ऊपर आए तो इसका मतलब यह है कि धरती रहने लायक हो चुकी है। इस बात से शिप का कैप्टन बहुत खुश होता है और वो ईव की बॉडी को खोलकर देखता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर अब वो प्लांट नहीं होता जो ईव ने अपनी बॉडी के अंदर रखा था। उसे लगता है कि ये रोबोट खराब हो चुका है, इसीलिए उसने अपनी बॉडी में प्लांट का गलत साइन शो किया, जबकि प्लांट उसकी बॉडी के अंदर नहीं होता। ईव इस सब के लिए वॉली को ब्लेम करती है, उसे लगता है कि उसी ने प्लांट को उसकी बॉडी से निकाल लिया। ईव को अब रिपेयर करने के लिए भेज दिया जाता है, साथ ही वहां पर वॉली को टॉर्चर करने के लिए एक जेल के अंदर भेज दिया जाता है जिसकी क्रिस्टल वॉल्स होती है। वॉली वहां से ईव को देख रहा होता है जब उसे रिपेयर किया जा रहा था, और यहां पर वॉली को लगता है कि ईव को टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए वो अपनी बॉडी से एक लेजर बीम निकालकर आजाद हो जाता है। और इसके बाद वो ईव को और बाकी सभी रोबोट्स को जो रिपेयर
हो रहे थे उन सबको आजाद कर देता है। और अब ईव और वॉली के पीछे बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। ईव वॉली को एक जगह ले जाती है और उसे वहां से एक पॉट से अर्थ पर भेजना चाहती है, पर वॉली जो ईव से प्यार करता है वो उसके बिना नहीं जाना चाहता। और तभी शिप का जो ऑटो पायलट होता है उसका असिस्टेंट यहाँ पर आता है। उसके पास वो प्लांट होता है जो अर्थ से ईव की बॉडी के अंदर यहाँ पर आया था। और यहाँ पर ईव को पता चल जाता है कि वॉली ने उस प्लांट को नहीं चुराया था बल्कि उसे ऑटो पायलट के असिस्टेंट ने चुराया था। और अब वो उस प्लांट को एक पॉट के अंदर डिस्ट्रक्शन के लिए रख देता है। और इससे पहले कि वो पॉट डिस्ट्रक्शन के लिए स्पेस में जाता वॉली उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वो इससे पहले कि प्लांट को बाहर लाता वो पॉट लॉन्च हो जाता है और स्पेस में चला जाता है। और कुछ ही देर में वो ब्लास्ट होने वाला है, पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट होता वॉली उस पौधे को लेकर वहां से निकल जाता है। ईव उसके पास आती है और वो देखती है कि वॉली ने उस प्लांट को बचा लिया है। वॉली उस प्लांट को ईव को दोबारा से दे देता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों स्पेस में डांस करते हैं। और अब ईव किसी भी हालत में इस प्लांट को कैप्टन तक पहुंचाना चाहती है, इसीलिए जिस जगह से कचरा फेंका जाता है ये दोनों के दोनों उस जगह से ऊपर जाते हैं। ईव कैप्टन के पास जाती है और उसे वो प्लांट दे देती है, जिसे देखकर कैप्टन हैरान भी होता है और खुश भी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों से एक असली पौधे को देखा है। अब उस पौधे का एक पत्ता टूट जाता है, कैप्टन उसमें पानी डालता है और वो समझ जाता है कि हमें इनकी केयर करने की जरूरत है। दरअसल इंसानों ने अर्थ की केयर नहीं की थी, इसीलिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। कैप्टन यहाँ पर एक डिवाइस की मदद से ईव की रिकॉर्डेड फुटेज भी देख रहा होता है जो उसने पृथ्वी पर की थी। और तभी ईव इन रिकॉर्डेड फुटेज में देखती है कि जब वो स्लीपिंग मोड में चली गई थी तो वॉली ने उसका बहुत ध्यान रखा था। और ये सब देखने के बाद उसके दिल में वॉली के लिए फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसे भी वॉली से प्यार है। वहीं कैप्टन अब ऑटो पायलट को यहाँ पर बुलाता है और वो कहता है कि हमें इस प्लांट की इस पौधे की केयर करनी होगी, लेकिन ऑटो पायलट ऐसा नहीं चाहता। ऑटो पायलट को पता है कि कैप्टन अब अर्थ पर जाना चाहता है, इसीलिए वो कैप्टन को सबसे पहले कैप्टन का एक रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है जिसमें कैप्टन ने स्टेटमेंट दी होती है कि इंसान अब अर्थ पर नहीं जा सकते, वहां की हवा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है जिसमें सांस लेने से इंसान की मृत्यु हो जाएगी। और ऑटो पायलट को पूरा कंट्रोल है कि वो स्पेस में ही हमेशा के लिए रहे। और जब कैप्टन उस वीडियो रिकॉर्डेड फुटेज की डेट देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वीडियो आज से 700 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। कैप्टन को एहसास होता है कि इतने सालों के बाद धरती का वातावरण बदल गया होगा, इसीलिए धरती पर ये प्लांट ग्रो हुआ और वो चाहता है कि अब वो धरती पर दोबारा जाए। लेकिन यहाँ का जो ऑटो पायलट है वो अपने सबसे पहले कैप्टन के आदेशों को फॉलो करना चाहता है, इसीलिए वो इस कैप्टन के खिलाफ होता है। अब यहाँ पर उसका वो असिस्टेंट रोबोट भी आ जाता है जिसने पहले प्लांट को चुराया था। वो कैप्टन के पास जाता है और उसे प्लांट छीन कर उस जगह फेंक देता है जहाँ से कचरा नीचे फेंका जाता है। दरअसल ईव बहुत फास्ट थी इसीलिए पहले आ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वॉली ऊपर आ रहा था और वो प्लांट उसके ऊपर अटक जाता है। और जब वॉली बाहर आता है तो सब देखते हैं कि प्लांट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद ऑटो पायलट का असिस्टेंट ईव को पकड़ लेता है और अब ऑटो पायलट वॉली के पास जाता है, लेकिन प्लांट उसने अपनी बॉडी के अंदर रख लिया होता है। वो वॉली को प्लांट बाहर निकालने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देता है, इसीलिए वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद वो उसी पाइप से जिससे कचरा फेंका जाता है वॉली को बाहर फेंक देता है और साथ ही ईव को ऑफ करके उसी कचरे के पाइप से नीचे फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ईव एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुकी है और वो वॉली को ढूंढते हुए कचरे के ढेर के पास जाती है। वो देखती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी चिप भी लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वॉली के पास अब भी प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित होता है। वॉली कहता है कि मेरी चिप को अर्थ पर बदला जा सकता है क्योंकि अर्थ पर उसी के जैसे बहुत सारे और भी खराब रोबोट्स होते हैं जिनके पार्ट्स उसने संभाल कर रखे होते हैं। वॉली बताता है कि हम अर्थ पर होलो डिटेक्टर से जा सकते हैं। और इसके बाद ईव उसे बचाने के लिए स्पेसशिप में ले जाती है। वहां पर इन्हें नहीं पता होता कि होलो डिटेक्टर कहां पर है और ये उस स्पेसशिप में वांटेड भी होते हैं, लेकिन वॉली ने यहां पर जितने भी खराब रोबोट्स को छुड़ाया होता है वो सब इनका साथ देते हैं। और तभी शिप का कैप्टन, जिसे ऑटो पायलट ने एक जगह कैद कर दिया था, वो स्क्रीन पर देखता है कि वॉली के हाथ में अब भी वो पौधा है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। वो अपने आप को अपनी चेयर से आजाद करता है और इसके बाद वो अनाउंस करता है और साथ ही वो वॉली और ईव को मैसेज देता है कि इस पौधे को होलो डिटेक्टर के अंदर रख दो। ऐसा करने से स्पेसशिप को पता चल जाएगा कि एक बार फिर से अर्थ पर जीवन शुरू हो चुका है और ये स्पेसशिप ऑटोमेटिकली अपने आप ही अर्थ की तरफ चला जाएगा। अभी दोनों के दोनों होलो डिटेक्टर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इनके पीछे पुलिस भी होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अब इस पौधे को बचाना चाहते हैं, लेकिन तभी कैप्टन के पास ऑटो पायलट आ जाता है। वो कैप्टन ईव और वॉली को ऐसा करने से रोकना चाहता है। वही वॉली और ईव को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर होलो डिटेक्टर है जिसके अंदर इन्हें प्लांट रखना है। और जब ये उसे खोलते हैं तो ऑटो पायलट पूरे शिप को घुमा देता है जिससे प्लांट इनके हाथ से छूट जाता है। साथ ही अब वो होलो डिटेक्टर को बंद करने लगता है, लेकिन वॉली उसके बीच में आ जाता है। वॉली को पूरी तरह से क्रश कर रहा होता है, लेकिन वॉली नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ये बंद हो। वहीं सारे के सारे इंसान अपनी चेयर से नीचे गिर जाते हैं। दरअसल पहली बार ये अपनी जिंदगी में अपनी चेयर से उतरे हैं और अब ये प्लांट को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं कैप्टन को और ऑटो पायलट को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। कैप्टन किसी तरह से ऑटो पायलट को ओवरपावर करके पूरे सिस्टम को मैनुअल में कर देता है, यानी कि अब ऑटो पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं ईव को दिखाया जाता है जो वॉली, जिससे वो प्यार करती है, उसे बचाने के लिए होलो डिटेक्टर को रोक रही होती है ताकि वो उसके नीचे क्रश ना हो। लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल हो चुका है। सभी इंसान प्लांट को एक दूसरे तक पहुंचाते हुए ईव तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद उसे
होलो डिटेक्टर के अंदर रखा जाता है और इस तरह से इनका स्पेसशिप कुछ ही देर में धरती तक पहुंच जाता है। धरती पर पहुंचने के बाद ईव सबसे पहले वॉली को उसके घर ले जाती है और उसके सभी पार्ट्स चेंज कर देती है। वो उसे सोलर एनर्जी से चार्ज भी करती है, लेकिन वॉली होश में आने के बाद ईव को नहीं पहचानता, वो उसे भूल चुका है। ईव उसे वो हर चीज दिखाती है जो कभी उसने ईव को दिखाई थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन ईव अपनी हिम्मत नहीं हारती और जब ये दोनों बाहर होते हैं तो ईव अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और इसके बाद ईव उसके पास जाकर उसे किस करती है और कुछ ही देर बाद वॉली को सब कुछ याद आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंसान धरती पर उस प्लांट को उगा देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दिखाया जाता है कि धरती पर अब बहुत सारे प्लांट्स उगना शुरू हो गए हैं। साथ ही वॉली और ईव जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो यहाँ अर्थ पर दूसरे रोबोट्स के साथ अब खुश हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि धरती पर यानी कि हमारी दुनिया में प्लांट्स की पेड़ पौधों की कितनी अहमियत है। इसीलिए हमें अपने आसपास जरूर प्लांट्स को लगाना चाहिए, उनकी टेक केयर करनी चाहिए ताकि हम अपनी धरती को बचा सके। तो ये थी पूरी कहानी।